हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने रेशनलिटी को समझा कि एक रेशनल कंज्यूमर क्या होता है, या फिर एक रेशनल इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, कंजम्पशन थियरी। हम आगे बढ़ते हैं और इंडिफरेंस कर्व को समझते हैं, और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस होते हैं कंज्यूमर के, वो किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ों को रीऑर्डर करता है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए, इंडिफरेंस कर्व का आइडिया लगभग सबको होगा, क्योंकि आप एमए के स्टूडेंट हैं तो लगभग सबने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा कि ये एक लोकस पॉइंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का, जहाँ कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन ये जो प्रेफरेंस है कंज्यूमर का, जो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम दिखा सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ जो कुछ दिया हुआ है, ये सब एक एग्जाम्पल है, ये सब एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। अब जैसे कि कोई टू डायमेंशनल प्लॉट है, और उसमें आप इंडिफरेंस कर्व को बहुत तरीके से दिखा सकते हैं। वो ऐसे हो सकता है, वो सीधा हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, या फिर वो ऐसे भी हो सकता है। तो वो प्रेफरेंसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हम कुछ टाइप्स के पढ़ेंगे, के प्रेफरेंस पढ़ेंगे, और उसे समझेंगे कि अलग अलग प्रेफरेंस से हम इंडिफरेंस कर्व को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, अलग कैसे समझते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसे। हर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसे ही हम देखेंगे। अब इस इंडिफरेंस कर्व को देखिए, अब ये भी एक इंडिफरेंस कर्व है। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि ये कोई यूटिलिटी लेवल है। अब मान लीजिए कि 10 यूनिट यूटिलिटी आपको मिलती है। अब ऐसे यूटिलिटी तो मेजरेबल नहीं होता है इंडिफरेंस कर्व में, अभी उस पर हम बाद में आएंगे अगले लेक्चर में। यूटिलिटी सिर्फ ऑर्डर के लिए यहाँ पर होता है, मतलब कि जैसे कि 10 और 9 का मतलब हुआ कि 10 9 से ज़्यादा है, तो इंडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी का यही मतलब होता है। इसमें इसका डिफरेंस क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर 100 है और 1 है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि 100 1 से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, ये कम दे रहा है। इसके बीच का जो डिफरेंस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व को हम यूटिलिटी को कार्डिनल यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये 10 यूनिट सिर्फ सिम्बोलिक है, जिसे हम ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। आप किसी हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाइएगा, तो हो सकता है आप इसे 10 से ज़्यादा कोई दे सकते हैं, या आप इसे 100 दीजिए, या जो कुछ भी दीजिए। तो ये सिर्फ ऑर्डर के लिए होता है, इतना आपको ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होता है, वो सिर्फ ऑर्डर के लिए होता है। खैर, जो भी हो, हम यहाँ मान रहे हैं कि 10 यूनिट आपको यूटिलिटी मिलती है इस इंडिफरेंस कर्व में। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बतलाता है कि ये 10 यूनिट यूटिलिटी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 5 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम करते हैं, जैसे आप इसे मानिए कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो आप यहाँ पर देखिए कि 0 यूनिट एक्स और 5 यूनिट वाई कंज्यूम करके आप 10 यूनिट यूटिलिटी ले सकते हैं। और इस पॉइंट पर आप 1 यूनिट एक्स, यानी यहाँ देखिए, और फिर 4 यूनिट वाई को कंज्यूम करके आप क्या कर सकते हैं, 10 यूनिट यूटिलिटी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप 2 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम करके आप 10 यूनिट यूटिलिटी ले सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर 5 0 हो जाएगा। तो ये जितने कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये बात हुई इंडिफरेंस कर्व की। लेकिन ये जो पार्टिकुलर टाइप का प्रेफरेंस है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, एक्स और वाई, वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है। कहने का मतलब है कि अगर एक्स कोई टी है और ये कॉफी है, तो ये स्ट्रेट लाइन बताता है कि कंज्यूमर के लिए दोनों एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उसे टी और कॉफ़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो वो 5 यूनिट कॉफ़ी पी ले, या फिर वो 5 यूनिट टी पी ले, उसको यूटिलिटी उतनी ही मिलेगी। बस ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट
यही बताता है कि दो कमोडिटीज में से कंज्यूमर कोई एक कमोडिटी कंज्यूम करे, उसे यूटिलिटी उतनी ही मिलती है। वो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस होता है। ठीक, अब देखिए, अब कुछ और टाइप के प्रेफरेंसेस को हम देखते हैं। ये तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस हो गया। अब इसमें देखिए, इस टाइप के प्रेफरेंस में क्या होता है कि यहाँ पे कंज्यूमर एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन यूज करता है गुड्स का। जैसे एक लेफ्ट हैंड के जूते के साथ एक राइट हैंड का जूता आपको पहनना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड के शू शू इज ए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ राइट हैंड शू, बिकॉज यू यूज देम बोथ साइमल्टेनियसली। आप दोनों को एक साथ यूज करते हैं, तो आप ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप बोले कि मुझे दो लेफ्ट हैंड के जूते दे दो एक राइट हैंड के, ये कभी नहीं आप करेंगे। अगर आप दो पर जाएंगे तो आप कहेंगे कि दो हम राइट हैंड के जूते का मतलब क्या हुआ कि आप दो लेफ्ट हैंड का भी जूता लेंगे। तो ये जो केस होता है जहां हम टू कमोडिटीज को एक साथ कंज्यूम करते हैं, वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस होता है। और उसमें जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो इस तरह से एल शेप्ड बनता है। और इधर मैंने क्या बताया, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस होता है तो इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये दो टाइप की प्रेफरेंसेस अभी तक मैंने बताई, तो दोनों एक पार्टिकुलर टाइप के प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों डायग्राम। ठीक, अब देखिए, अब और भी बहुत टाइप के प्रेफरेंस हो सकते हैं। इसके पहले एक चीज और मैं बता दूं, जिसमें अभी मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे उस पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। जैसे इस टाइप के प्रेफरेंस को, जैसे यूटिलिटी है जो फंक्शन है किसकी, एक्स और वाई की, तो आप इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, इस फॉर्म में यूटिलिटी होगी, यूटिलिटी इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा इस स्ट्रेट लाइन का हमेशा ऐसा होगा। ठीक, या फिर इंडिफरेंस का कर्व का इक्वेशन अगर ऐसा हो तो आप ये समझें कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है। इस पे मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर बाद में आऊंगा, अभी इस पे मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा। अब इसी तरह आप इस केस को भी देख सकते हैं, तो इसे भी इसका इसका कोई डिफरेंशिएबल इक्वेशन नहीं होता है। इसमें जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, उसमें ऐसे हम लिखते हैं जिसे हम लियोनटिक यूटिलिटी फंक्शन आप कह सकते हैं, या फिक्स्ड कोएफिशिएंट यूटिलिटी फंक्शन आप कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्स और वाई जो होते हैं किसी पार्टिकुलर रेशियो में ही यूज किए जा सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बहुत जगह आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये ऐसे लिखा हो अल्फा एक्स और बीटा वाई। तो इस तरह से अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा दोनों इक्वेशन का, इस पे भी मैं बाद में आऊंगा। इसका मतलब यही है कि अगर या तो कंज्यूमर अगर एक्स का चूज कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वाई का इतना यूनिट चूज कुछ यूनिट चूज करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब यूटिलिटी सिर्फ क्या है, इसी से पता चल जाएगी आपको, सिर्फ एक्स से ही पता चल जाएगी कि एक्चुअल यूटिलिटी, या फिर सिर्फ वाई से ही पता चल जाएगी कि एक्चुअल यूटिलिटी जो है कंज्यूमर को क्या मिलती है। तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस होता है। इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बाद में इस पर आएंगे, फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक स्पेशल टाइप का प्रेफरेंस हुआ, या फिर एक टाइप का प्रेफरेंस है ये। अभी तक हमने दो टाइप्स देखे हैं जिसमें, अब जैसे देखिए, अब और टाइप के प्रेफरेंस हो सकते हैं। जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे कि गुड्स के बारे में, अभी तक हम गुड्स की चर्चा कर रहे थे। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है जिससे आपको यूटिलिटी मिलती है। गुड्स से हमेशा क्या होता है, आपको यूटिलिटी मिलती है, और बेड से क्या होता है, बेड से आपको डिस यूटिलिटी मिलती है। यही अंतर है, मतलब कि आपको उसे नुकसान होता है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसे हम बेड्स कहते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि ये एक्स है, एक्स कोई गुड्स है, यानी कि आप इसे मान लीजिए ट्रीज, ट्रीज जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, और फिर वाई कोई गुड्स है जिसे मान लीजिए आप पोल्यूशन पोल्यूशन मान लीजिए, या फिर आप स्मोक मान लीजिए, जो भी आपको मानना है मान लीजिए, तो ये एक बेड है। तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या दिखलाता है, ये दिखलाता है कि अगर मान लीजिए ये इंडिफरेंस कर्व 10 यूनिट ऑफ यूटिलिटी दे रहा है,
यहाँ पे भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि 0-0 यानी कि 0 पोल्यूशन 0 टी का मतलब है कि कंज्यूमर को 10 यूनिट यूटिलिटी मिलती है। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, कभी भी हम 0-0 पी नहीं रहेंगे, हम इतना ट्री इतना पोल्यूशन कुछ ट्री लगाएंगे, कुछ ट्री हमने लगा रखे हैं, कुछ पोल्यूशन भी हम कर रहे हैं तो हम आगे ही होंगे। बस हाइपोथेटिकली आप मान लीजिए कि इस की ये इंडिफरेंस कर्व है जो कि 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो अब मान लीजिए कि जीरो पे है आपको और आपको 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर आपने ट्रीज लगा दिया मान लीजिए एक ट्रीज आपने लगा दिया तो क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्री क्या है, इकोनॉमिक गुड है, ऑक्सीजन की मात्रा आपके लिए बढ़ जाएगी। तो आप इस पे नहीं रहेंगे, इस इंडिफरेंस कर्व पे नहीं रहेंगे। इस इंडिफरेंस कर्व पे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उतना पोल्यूशन करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि एक यूनिट आपने पोल्यूशन भी कर दिया तब आप इस पॉइंट पर आ गए, यानी कि यहाँ पे आपका यूटिलिटी 10 है। इसी तरह जब आप दूसरा ट्री लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा पोल्यूशन करना पड़ेगा उसी यूटिलिटी लेवल पर रहने के लिए। तो ये इस तरह से ये एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन इस तरह के प्रेफरेंस को दिखाता है जिसमें एक इकोनॉमिक गुड्स होता है और क्या होता है, एक इकोनॉमिक बेड होता है। ठीक, यही आपको समझना है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ एग्जांपल ले सकते हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ये मैं अपने तरीके से बस आपको समझा रहा हूँ, आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक, बाकी जो मेन आइडिया था वो आपको इस लेक्चर से समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपको एक टाइप का प्रेफरेंस दिखाया। ठीक, ये तीसरा था। अब चौथा देखिए क्या होता है। चौथा है, इसका मतलब है कि एक गुड जो होता है उसको लेकर हम न्यूट्रल रहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, तो यहाँ पे अगर यूटिलिटी बढ़ानी है तो ये जो लाइन है ये इधर आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ आ जाएगा, इस मतलब यूटिलिटी बढ़ गई, यानी कि यूटिलिटी सिर्फ एक्स के बढ़ने से बढ़ रही है। वाई का के कंजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप जीरो भी कंज्यूम कर रहे हैं वाई तो यूटिलिटी कंज्यूमर को उतनी मिल जा रही है। तो अगर आप जीरो यूनिट भी कंज्यूम कर रहे हैं वाई तो आपको उतनी यूटिलिटी मिल रही है, और 1.5 कर रहे हैं तो उतनी यूटिलिटी मिल रही है, टू या फिर 4 कर रहे हैं तो उतनी यूटिलिटी, मतलब वाई को लेकर आप न्यूट्रल है। वाई के कंजम्पशन से आपकी यूटिलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ x से आपके यूटिलिटी पे डिफरेंस आता है। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल प्रेफरेंसेस, यानी कि एक कमोडिटी को लेकर हम न्यूट्रल है। तो ये भी एक टाइप का प्रेफरेंस हो सकता है। ठीक, अब चलिए अगला प्रेफरेंस देखते हैं कि अगला किस टाइप का प्रेफरेंस है। अब ये डिस्क्रेट का मतलब यही होता है कि अभी तक कि आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसको डिस्क्रेट यूनिट में कंज्यूम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 10.1 या फिर 9.2 इस तरह कंज्यूम नहीं करेंगे, या तो आप 10 करेंगे या 9 करेंगे या 8 करेंगे, इस तरह से इसके बीच में आप कोई कंजम्पशन नहीं करेंगे। यानी कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे कोई कंजम्पशन आप नहीं करेंगे, या तो आप इस पॉइंट पे करेंगे या फिर आप इस पॉइंट पे कंजम्पशन होगा आपका, या फिर इस पॉइंट पे हो सकता है आपका कंजम्पशन जहाँ आप 2 यूनिट ऑफ एक्स और 4 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब जो है यहाँ पे आपका कोई कंजम्पशन नहीं होता है। तो इसे डिस्क्रेट गुड कर सकते हैं आप, यानी कि डिस्क्रेट चॉइस होता है, या फिर डिस्क्रेट प्रेफरेंसेस कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रेफरेंस हम इकोनॉमिक्स में जनरली नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब जैसे मैंने ऊपर भी आपको जो दिखाया था, खैर इसका भी तो मैथमेटिकल हो सकता है लेकिन इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप मैंने मैथमेटिक्स नहीं बताया इसका, यहाँ पे मैथमेटिक्स सिंपल है कि यूटिलिटी ओनली डिपेंड्स ऑन गुड एक्स। ठीक, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ ओनली गुड एक्स, तो ऐसा आप इसे कह सकते हैं। वाई को लेकर कंज्यूमर न्यूट्रल है इस केस में। अब इसी तरह देखिए, ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब इस प्रेफरेंस को देखिए, इसे कहते हैं वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस, और यही जब हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं तो हमारा मतलब यही होता है, एक वेल बिहेव प्रेफरेंस को ही हम डिनोट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है तो हम इसी प्रेफरेंस को ही इंडिकेट करते हैं, ऊपर जो मैंने बताया वो सब स्पेशल केस में आप ऐड कर सकते हैं। अब वेल बिहेव प्रेफरेंस क्या होता है, एक तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक,
ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है और ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। नेगेटिवली स्लोप्ड होने का मतलब कि ये जो कमोडिटीज़ हैं एक्स और फिर यहाँ वाई, ये इसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन जरूर है, यानी कि ना तो ये इस तरह से परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है और ना तो ये परफेक्टली कम्प्लीमेंट्री है। इन ये एक्स और वाई में कुछ डिग्री का सब्स्टिट्यूशन जरूर है, वो इनके बीच का ही कहीं सब्स्टिट्यूशन है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या होगा, यहीं इनके बीच में ही कहीं से जाएगा। तो ये इनडिफरेंस कर्व होता है और इस टाइप के प्रेफरेंसेस को हम वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस कहते हैं। और इसमें जो इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है MRS होता है वो डिमिनिजिंग होता है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस में, उसके बहुत सारे अजम्पशन होते हैं, तो वो आपने ग्राफिकली बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि जो हम एक्चुअली पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में वो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस को ही अज्यूम करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है एक वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व या एक वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। तो अगले वीडियोस में मैं इसी वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस को मैथमेटिकली और इसके ग्राफिकल जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसे मैं अच्छे से समझाऊंगा कि ये वेल बिहेव्ड जो है वो कैसे है, इसके पीछे कुछ अजम्पशन है इसलिए ये ऐसा है। अब जैसे कि आप यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं क्या अजम्पशन हो सकता है। एक तो अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो ये वेल बिहेव नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। परफेक्ट कम्प्लीमेंट हो तो ये वेल बिहेव नहीं हो सकता क्योंकि ये एल सेप्ट हो जाएगा। उसी तरह न्यूट्रल हो तो एक यहाँ पे सिर्फ एक लाइन हो जाएगा। इसका मतलब जो इंडिफरेंस कर्व ये अज्यूम करता है कि एक्स और वाई का में थोड़ी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जरूर है, वो ऊपर दिए गए जितने भी केस है उस टाइप का प्रेफरेंस नहीं है कंज्यूमर का, ठीक। तो इस टाइप का कहीं भी प्रेफरेंस नहीं है। और दूसरा कि जो हम अनालाइज कर रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स है, वो बेड्स नहीं है, हम इकोनॉमिक बेड्स को अनालाइज नहीं करते हैं इंडिफरेंस कर्व में, ठीक। तो इसी को हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताएंगे, मैथमेटिकली बताएंगे इसको, क्योंकि अभी इसका मैथमेटिक्स बताऊंगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक चीज़ मैं इस पूरे लेक्चर में भूल गया जिसका जिक्र करना ज़रूरी है कि सेटिएशन पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखा था लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर इस पॉइंट पे है और वो 3 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहा है और यहाँ पर 3 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा है और वो सेटिस्फाई हो गया, यानी फुल सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुँच गया है वाई के कंजम्पशन से भी और एक्स के कंजम्पशन से भी। तो अब क्या होगा कि यदि इससे कंज्यूमर को अगर आप ज़्यादा वाई दीजिएगा तो वो डिसयूटिलिटी हो जाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं इस पॉइंट से ऊपर, इसका मतलब ये वाई से क्या होगा, कंज्यूमर को डिसयूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि जितना उसे चाहिए था वो मिल चुका है, वो संतुष्ट हो चुका है, ठीक। और उसी तरह अगर आप इधर जाइएगा तो क्या होगा कि कंज्यूमर को एक्स ज़्यादा आप दे रहे हैं जो कि ठीक नहीं है उसके लिए, उससे उसको डिसयूटिलिटी मिला है क्योंकि एक्स से भी वो सेटिस्फाई हो चुका है। तो दोनों से सेटिस्फाई हो चुका है, ना तो आप इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। और अगर आप नीचे जाइएगा इधर जाइएगा, इसका मतलब आप x कम कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब अगर ये कंज्यूमर इस चीज़ को परचेस कर सकता है तो वो फिर कम क्यों हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए अगर आप y को आप यहाँ पर लेके जाएंगे यानी कि y का कंजम्पशन कम करेंगे तो फिर उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि इस पॉइंट से कंज्यूमर मूव नहीं करेगा, इससे ज़्यादा भी इसको नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए, बशर्ते वो इस बंडल को परचेज कर सकता हो, तब वो इससे ज़्यादा भी नहीं करेगा उससे कम भी नहीं करेगा। तो जो इससे कम यूटिलिटी देने वाले इंडिफरेंस कर्व होंगे वो इस तरह से इन सब पॉइंट को ऐड करते हुए इस तरह से ओवल शेप्ड होंगे, ठीक, इसी के चारों ओर होंगे, इस तरह करके ये इंडिफरेंस कर्व बने। अब इसे थोड़ा और समझिए, इस ओवल को समझिए कि इसका कुछ पोर्शन क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अब इस पॉइंट से यहाँ पे देखिए इसके बाद ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है और इसके पहले ये क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड है।
अब इतना तो पता है कि ये जो पोर्शन है नेगेटिवली स्लोप, ये इससे कम यूटिलिटी दे रहा है, और दूसरा कि ये जो पोर्शन है ये क्या बता रहा है कि जो गुड वाई है वो इकोनॉमिक बेड है, यानी कि ज़्यादा गुड वाई के लिए आपको ज़्यादा गुड एक्स भी चाहिए, यानी इस यूटिलिटी लेवल को कंपनसेट करने के, ताकि कंज्यूमर यहाँ जो यूटिलिटी पा रहा था वही यूटिलिटी उसे यहाँ भी मिले। तो ज़्यादा वाई दीजिएगा तो ज़्यादा एक्स देना पड़ेगा, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड पोर्शन है इंडिफरेंस कर्व का। अब इसी तरह ये देखिए, ये पोर्शन जो है क्या है, वो कॉनकेव पोर्शन है। कॉनकेव पोर्शन क्या दिखाता है कि जो यूटिलिटी है, जो एक्स और वाई है, वो दोनों इकोनॉमिक बेड है। ठीक, तो इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि जब प्रेफरेंस इस तरह से होते हैं तो क्या होता है कि इसे हम इकोनॉमिक बेड कहते हैं। अब इकोनॉमिक बेड मतलब कि दोनों इकोनॉमिक बेड है, एक्स और वाई। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए आप वाई ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहेंगे। जबकि एक्चुअली जब ऐसे प्रेफरेंस होता है तो उसका मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट एक्स के लिए आप वाई कम कम करते जाएंगे, यानी कि पहले आप कहेंगे कि मुझे एक यूनिट एक्स के लिए मैं 3 यूनिट वाई देने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद आप कहेंगे कि इस पॉइंट पर रहेंगे तो आप कहेंगे कि एक यूनिट एक्स के लिए मैं सिर्फ 2 यूनिट वाई गिवअप करने के लिए तैयार हूँ, इसी तरह यहाँ 1 हो जाएगा, इस तरह से कम होते जाएगी। मतलब जो आपका एक्स वाई जो आप गिवअप करना चाहते हैं एक्स्ट्रा यूनिट एक्स के लिए, वो कम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनीजिंग है, उसे हम कहते हैं। लेकिन इसमें इंक्रीजिंग होता है, यानी कि पहले आप 3 यूनिट देने के लिए तैयार थे, आप 4 देने के लिए तैयार हैं, आप ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, इस तरह से MRS इंक्रीजिंग हो जाता है। तो ये कॉनकेव प्रेफरेंसेस होता है जिसमें दोनों इकोनॉमिक बेड्स होते हैं, यानी एक्स और वाई दोनों इकोनॉमिक गुड नहीं है, इकोनॉमिक बेड्स हैं। ठीक, तो इस तरह के भी प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, यानी कि इन कंक्लूजन प्रेफरेंसेस बहुत टाइप के हो सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। प्रेफरेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं या अगर ये उसके लिए जो कंज्यूमर का बिहेवियर इरेटिक है, रेशनल तो हो नहीं सकता है ऐसा बिहेवियर, इरेटिक है मतलब कब वो क्या प्रेफर करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रेफरेंसेस को आप बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम जो प्रेफरेंस पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इकोनॉमिक एनालिसिस में हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर रेशनल है, और जो प्रेफरेंस वो शो करता है वो एक वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस को हमेशा शो करता है, और जो भी कमोडिटी हम एनालिसिस में लेते हैं उसमें कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जरूर होती है। यही सब अजम्पशन पे बेस्ड होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इस अजम्पशन को, थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो टीचमेंट क्लासरूम में नहीं हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से टीचमेंट क्लासरूम ज़रूर ज्वाइन करें। आपको वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप मिल जाएगी, आपको YouTube पे प्लेलिस्ट नहीं मिल पाएगी, आपको वीडियो खोज के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं तो आप टीचमेंट क्लासरूम में आएँ, वहाँ पे आपको गाइड भी मिलेगा और सारी वीडियोस सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक जगह मिल जाएगी। थैंक यू।